हेलो मामा, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया। हेलो हेलो हेल्प। अम्मी, आपने मुसब को इतनी अम्मी आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? सब ठीक है बेटा, बस नसीब खराब है हमारे। क्या आप सामिया की वजह से परेशान हैं? मैंने सुबह तुम दोनों की बातें सुन ली थी बेटा, ये दिन भी देखने हैं क्या आप हमें? अब हम अदालतों में जाएंगे खुला लेने के लिए। ये सब क्या हो रहा है लुबना? मरने के बाद तुम्हारे अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अम्मी, आप सिर्फ एक माँ बन के सोच रही हैं। एक औरत या बीवी की नजर से देखें तो सामिया गलत नहीं करी। इंसान शादी जिंदगी के दुख और सुख बांटने के लिए करता है, लेकिन इस शादी से उसको क्या हासिल हुआ? एक बदतमीज सास, एक बदकिरदार शौहर, बड़ी उम्र के ताने। उसने बहुत बर्दाश्त किया है, अब उसकी हिम्मत जवाब देगी। घर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं बेटा। अगर मर्द औरत का साथ दे तो औरत घर बनाने के लिए हर मुश्किल पार कर लेती, लेकिन यहाँ वो किसके लिए घर बनाए? अपने और अपनी औलाद के लिए, क्योंकि अरसलान भाई तो उसको कब के छोड़ के जा चुके। सामिया 4-5 महीने से यहाँ, क्या आपने एक बार भी अरसलान भाई को देखा? उसकी खैरियत पूछते आए वो? नहीं ना, ना उसको डॉक्टर के विजिट पे लेके गए, ना उसका कोई टेस्ट कराया। आप ये बात समझ जाए अम्मी, ना उसे सामिया में कोई दिलचस्पी है, ना और इस औलाद में। और अगर थोड़ी बहुत भी खुशफहमी आपके दिल में है वो आप दूर करें और सामिया की फिक्र करें।